हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे विंड सॉक या फिर विंड डायरेक्शन इंडिकेटर की, कि कैसे काम करता है हमारा विंड सॉक। तो यार, विंड सॉक की मैं अगर बात करूं तो विंड सॉक कुछ इस टाइप का रहता है, लाइक दिस। राइट, यहाँ पे ऑरेंज कलर हो गया, यहाँ पे वाइट, यहाँ ऑरेंज, यहाँ वाइट और यहाँ पे ऑरेंज कलर। तो इसको हम विंड सॉक या विंड डायरेक्शन इंडिकेटर बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो यार, ये नॉर्मली जो है रनवे के साइड में लगे होते हैं, और कुछ इस जगह, कुछ ऐसी जगह पे ये जो है इनको प्लेस किया जाता है कि पायलट को इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो एक्चुअली ये करते क्या है, जब हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है तो पायलट को कुछ रफ़ आइडिया चाहिए। किस किस का रफ़ आइडिया चाहिए? नंबर वन, विंड डायरेक्शन, कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, पायलट को एक रफ आइडिया चाहिए। नंबर टू, विंड स्पीड, कि विंड की स्पीड क्या चल रही है। तो ये एक मेनली रफ आइडिया चाहिए पायलट को, और ये वो रफ आइडिया पायलट को बताएगा। राइट, तो एक रफ एस्टिमेट पायलट को लगेगा इससे कि पायलट को रडर डिफ्लेक्शन का अमाउंट ऑफ रडर डिफ्लेक्शन जो है पायलट को कितना करना है, ये भी पायलट इससे अंदाज़ा लगा सकता है। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पायलट को विंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ जो है हमारा विंड सॉक बताता है। तो यार, विंड सॉक को समझने से पहले कि बाकी सब चीज़ें समझने से पहले कि विंड सॉक क्या काम करता है, किस पर्पज़ से विंड सॉक का यूज़ किया जाता है, आइए विंड सॉक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यार, विंड सॉक को हम नॉर्मली या तो हम इसको कहेंगे विंड सॉक, या फिर इसको बोल देते हैं विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, या फिर इसको बोल देते हैं विंड कॉन। राइट, ये एक कॉन की शेप में है, तो इसको हम विंड कॉन भी बोल देते हैं। राइट, तो यार मेनली हम बात करेंगे कि ये इसमें होता क्या है हमारे विंड कॉन में, हमारे विंड सॉक में, और यू कैन से विंड डायरेक्शन इंडिकेटर में। तो यार, इसमें क्या है कि आप इसमें देख रहे हो कि ये एक ट्यूब शेप में बनाया जाता है। आपको देखा होगा कि एक ट्यूब है ये, तो एक ट्यूब शेप में इसको बनाया जाता है, और जो ट्यूब का जो मटेरियल होता है वो एक टेपर जो है फॉर्म में कट किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ से ये टेपर फॉर्म में कट किया गया है। तो टेपर अफेक्ट क्या करेगा, टेपर अफेक्ट से क्या होगा कि जो हमारी मैक्सिमम एयर जो है इसमें से जाएगी और इसको ये फ्लोट करेगी। राइट, ये इसको फ्लोट कर देगी हमारे विंड सॉक को। राइट, तो यार नॉर्मली अगर आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर कहीं बात करें तो आपको लगेगा कि इसका नॉर्मल जो वर्किंग प्रिंसिपल है काफ़ी इजी और सिंपल होगा। तो ये बात करते हैं कि ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या लगा होता है और ये कैसे काम करता है। तो यार, विंड सॉक का जो प्रिंसिपल है या जो विंड सॉक जैसे काम करता है वो इतना सिंपल नहीं है। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम इसमें डिस्कस करेंगे एरोडायनामिक्स, प्लस इसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स लगे होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों मिलके जो है तब जाके कहीं विंड सॉक काम करता है। राइट, तो ये इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सॉक हुप। सॉक हुप, तो ये वर्ड है, आपने सुना भी होगा कि सॉक हुप। तो क्या होता है सॉक हुप? मान लो कि ये हमारा विंड सॉक है। राइट, एक मेटल का रिंग है यहाँ पे, जो एरिया जहाँ पे जिसका फेस बड़ा होगा या यू कैन से जो पोल के साथ में अटैच रहेगा, उस एरिया में एक मेटल का रिंग फिट किया जाता है। राइट, सो उस मेटल रिंग को कहेंगे सॉक हुप। राइट, तो एक सॉक हुप इसमें लगा रहेगा, जो एरिया जो है ज़्यादा लार्ज ओपनिंग जिसकी रहेगी वहाँ पे उसको हम सॉक हुप कहेंगे। राइट,
सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो उस वो पॉइंट है स्वाइवल। जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, स्वाइवल है ये हुक में अटैच रहता है, राइट। ये हुक के साथ में अटैच रहेगा स्वाइवल। और इसका काम क्या रहेगा, जब भी हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज होगी, विंड की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये जो स्वाइवल है ये अलाउ करेगा हमारे विंड सोक को टू स्विंग अराउंड, राइट। तो इट हेल्प्स टू स्विंग अराउंड, राइट। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी ये घूम जाएगा, राइट। तो स्वाइवल है, उसका पर्पज वो फ्री टू मूव है, यहाँ पे वो उसके चारों तरफ घूम सकता है, तो उसको हम स्वाइवल बोलेंगे। तो एक सोक हुप हो गया और एक क्या हो गया, स्वाइवल हो गया, राइट। तो यार दो पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं। बाकी इसमें ये जो लार्जर जो ओपनिंग है इसकी और एग्जिट जो है इसका स्मॉल है, तो लार्ज ओपनिंग और स्मॉलर एग्जिट हो गया। तो जैसे ही विंड यहाँ पे आएगी तो वो विंड जो है यहाँ पे आके एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगी और ये जो है फ्लोट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये फ्लोट हो, कई बार क्या होता है कि हमारी विंड आती है यहाँ पे थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट करती है तो ये फ्लटरिंग भी करता है, राइट। सो ये इसका सिंपल सा और यू कैन से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे विंड शॉक का। और हाँ एक बात और, अगर नाइट विजिबिलिटी की मैं बात करूँ, अगर नाइट फ्लाइंग है और तो नाइट विजिबिलिटी के लिए हमारे विंड शॉक में लैंप्स को इंस्टॉल किया जाता है, लैंप्स इंस्टॉल्ड इनटू द विंड सॉक जो है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। नाइट विजिबिलिटी है तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लैंप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे विंड सॉक में, राइट। तो आइए अब हम बात करते हैं उसी टॉपिक पे, दोबारा जाते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसका क्या पर्पज है। इसको डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो या स्पीड फाइंड करना हो तो हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारे विंड सॉक से कि डायरेक्शन क्या है विंड की और किस और क्या स्पीड है विंड की, तो वो चीज़ें भी हम इससे एक रफली पता लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग डायरेक्शन, मतलब हवा की या विंड की, यू कैन से विंड की डायरेक्शन हम पता करेंगे, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, पायलट के पास एक कंपास रहेगा, तो पायलट क्या करेगा, कंपास में से अपना हेडिंग डायरेक्शन जो है, हेडिंग डायरेक्शन चेक करेगा, राइट। पायलट ने अपना हेडिंग डायरेक्शन चेक कर लिया, देन एक एस्टिमेट पॉइंटिंग एंगल विंड का वो पता लगाएगा हमारे विंड सॉक से, राइट। हमारे विंड सॉक से एक एस्टिमेट पॉइंटिंग एंगल ऑफ विंड डायरेक्शन ये पता लगेगा हमारे विंड सॉक से। अब हम बात करते हैं, मान लो कि ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है। पायलट ने नोट किया कि जो विंड सॉक है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट है, राइट। तो पायलट को इतना तो पता लग जाएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमारी विंड ब्लो कर रही है, राइट। देन वैल्यू ऑफ कंपास में जो नोट किया पायलट ने, वैल्यू ऑफ कंपास से और डायरेक्शन फ्रॉम यहाँ से, कहाँ से, हमारे विंड सॉक से, तो उससे पायलट कैलकुलेट कर सकता है रिलेटिव विंड डायरेक्शन, राइट। रिलेटिव विंड डायरेक्शन पायलट पता कर सकता है कंपास से और इसको कंपेयर करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकता है कि रिलेटिव विंड की डायरेक्शन क्या होगी। अब बात करते हैं स्पीड कैसे पता लगेगी पायलट को। तो यार इसमें आप देख रहे होंगे रिंग्स बने होंगे, राइट। यहाँ पे रिंग्स बने होंगे जो कि ऑरेंज वाइट और ऑरेंज रहेगा, राइट। तो ये स्ट्रिप्स हमारे पास बनी होंगी, तो इस स्ट्रिप्स की एक वैल्यू रहेगी, लाइक ईच स्ट्रिप्स जो है, हर स्ट्रिप जो है वो इंडिकेट करेगी 3 knots स्पीड को, ठीक है, कि विंड स्पीड हमारी 3 knots है। ये विंड की वेलोसिटी को डिनोट करेगा हर एक स्ट्रिप, राइट। अगर मान लो कि हमारा जो
विंड सॉक है वो कुछ इस तरह से है कि उसकी एक स्ट्रिप जो है लाइक दिस, एक स्ट्रिप जो है वो फुल्ली फ्लोट है, बाकी नीचे है। तो हम बोल सकते हैं कि विंड की जो स्पीड है वो होगी 3 knots, अगर दो हैं तो हम बोल देंगे into 2, 6 knots। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हर एक स्ट्रिप जो है वो 3 knots को डिनोट करेगा। 3 knots यू कैन से 5.6 किलोमीटर्स पर आवर अराउंड, राइट। सो ये हमारा एक रफ आइडिया पायलट को लग जाएगा कि कितनी लगभग हमारे विंड की वेलोसिटी है और किस डायरेक्शन में है, राइट। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा जो कि नोट करने लायक है, वो ये रहेगा कि जो हम विंड सॉक से जो भी डाटा हमें पता लगेगा वो एक रफ डाटा रहेगा, एक रफ एंड क्विक इन्फो के लिए हमने विंड सॉक लगाए हुए हैं। और यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन हम जो है विंड की पता कर सकते हैं रफली। अगर हमें एक्यूरेट अगर विंड की डायरेक्शन जाननी है या फिर वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ATIS है, ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ATIS। और ये जो है, जो ATIS है ये रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट रहता है और इसमें हमारे वेदर की जो भी इंफॉर्मेशन है, वेदर कंडीशंस हैं, वो इसमें आपको जानकारी मिलेगी। और ये क्या है कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा ये। और जो वो फ्रीक्वेंसी है वो जो है मेंशन रहती है हर एक एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगी इसकी ATIS की फ्रीक्वेंसी। तो पायलट को जो अपना रेडियो है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना होगा अगर उसको वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें आपको एकदम एक्यूरेट वेदर की इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो हमारा विंड सॉक है उसमें एक रफली आइडिया पायलट को मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में और कितना स्पीड लगभग अराउंड हमारी विंड का है। तो ये एक रफ आइडिया के लिए है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक छोटा सा समझ में आया होगा। थैंक यू।